तो बच्चों, आप पहली वीडियो में श्लोक का अर्थ समझ चुके होंगे तथा अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, तो आप सब भी पढ़ेंगे। तो फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे तथा समझेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। तो बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिना, तो इसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामय, सभी निरोग हों, निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, या सभी भद्राणि पश्यन्तु, तो या सभी क्या देखें, अच्छा ही देखें, अर्थात साक्षी रहें, और माँ कसि दुख भाग भवे, अर्थात कोई भी कभी दुख का भागी ना बने, मतलब किसी को भी कभी दुख का भागी ना बनना पड़े। तो क्या प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, संसार में सभी सुखी रहें, निरोग रहें, तथा हम सब कुछ अच्छा ही देखें, अच्छी घटनाओं को ही देखें तथा उसका साक्षी रहें, और कोई भी संसार में दुख का भागी न बने। तो बच्चों, आशा है आपको अर्थ भी समझ में आ गया हो तथा आप श्लोक सहित अर्थ लिखोगे, पहले श्लोक लिखोगे फिर उसका अर्थ भी लिखोगे। सबसे पहले आप पाठ शुरू करने से पहले उसको श्लोक को याद करोगे, फिर उसके कठिन शब्द छांटोगे, इसमें से 10 कठिन शब्द छांट कर लिखोगे, फिर उसके बाद नीचे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो शब्दों के अर्थ हैं, जैसे सर्वे, क्या है सर्वे, तो सर्वे, सर्वे का मतलब है सब। भवंतु, तो भवंतु हों, भवंतु हों। सुखीनः, सुखीनः, सुखी, क्या है सुखी। संतु, इसका भी मीनिंग हो है, हों। निरामः, निरोग, निरामः, निरोग। भद्राणि, कल्याण, भद्राणी का मतलब क्या है कल्याण। कसिद, कोई, कसिद का मतलब क्या है कोई। माँ, मत। भवेत, हो, भवेत, हो। पश्यंतु, देखें, पश्यंतु, देखें। तो बच्चों, इसमें से आप शब्दों के अर्थ भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, श्लोक, शब्दों के अर्थ, कठिन शब्द, और पहले कठिन शब्द फिर शब्द अर्थ, और पहले श्लोक फिर उसके नीचे उसका अर्थ, तो दोनों श्लोक का अर्थ भी आप लिखोगे और समझोगे, तथा आपको ऑनलाइन वीडियो देखकर ही तब तक अपना काम सुनिश्चित करना होगा, समझना होगा। ठीक है बच्चों, ओके, साईं राम।